नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सर पर हैं और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों कमर कस कर तैयारी कर रही है। वजह यह है कि कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि इस छोटे स्तर के चुनाव को भी हल्के में नहीं लेना है, वरना जो 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जंग बहुत कड़ी होने वाली है। और बीजेपी भी ये जानती है कि इस बार कांग्रेस किसी चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए लगातार चौथी बार सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी इन चुनावों के लिए कमर कस कर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौगातें बांट रहे हैं, 1500 करोड़ से ज़्यादा की सौगात वो एक दिन में दे रहे हैं। कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले सारी योजनाओं से जुड़े हुए ऐलान हो जाएँ और जितने तबादले किए जाने हैं वो भी हो जाए। इसके अलावा बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ा फैसला जो उनकी पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ है, जिस पर बहुत सख्ती से बीजेपी अमल करती आई है, नगरीय निकाय चुनाव के लिए उसे भी बदलने का फैसला कर लिया है। और ये फैसला ये है कि इस बार जब टिकट दिया जाएगा पार्षद पद के लिए, महापौर पद के लिए, उसके लिए किसी भी उम्र का बंधन नहीं होगा। यानी जब बीजेपी अपने कैंडिडेट्स तलाश रही होगी, जीतने वाले कैंडिडेट्स के नाम सामने आएंगे तो उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। 60 साल, 65 साल, 70 साल, जिस भी उम्र का कैंडिडेट होता है अगर वो जीतने लायक है तो उसे टिकट दिया जाएगा। यानी बीजेपी में इस नगरीय निकाय चुनाव में उम्र का बंधन खत्म होगा। ये साफ इस बात की तरफ इशारा है कि बीजेपी फिलहाल किसी भी अपने नियम के लिए, अपनी पार्टी लाइन का नियम तोड़ने को तैयार है, लेकिन जीत से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और कांग्रेस को कोई मौका देने की तैयारी में नहीं है। देखना यह है कि क्या ये जो फॉर्मूला है उम्र का बंधन खत्म करने का इस बार, वो बीजेपी के लिए नगरीय निकाय चुनाव में मददगार साबित होता है या नहीं। नमस्कार।